हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे रेगर एलिमेंट्स आर्मर केसेस की, जो मुझे भेजे हैं रेगर ने आईफोन XR के लिए। रेगर एलिमेंट्स तकरीबन सभी आईफोन्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे आईफोन 6S हो, 6S प्लस हो, 7 हो, 7 प्लस हो, 8 हो, 8 प्लस हो, 10 हो, 10S हो, 10S मैक्स हो, या फिर 10R हो। रेगर एलिमेंट्स तीन वेरिएशंस में आते हैं, मेपल वुड, वॉलनट और कार्बन फाइबर। यहाँ पर मेरे पास तीनों वेरिएशंस हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों वेरिएशंस को रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह के केसेस हैं, इन तीनों में से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको इनमें से एक केस लेना है तो आपको कौन सा वेरिएशन लेना चाहिए। यहाँ पर जो तीनों केसेस हैं, इनका डिज़ाइन एकदम सिमिलर है। जो फ़र्क है वो है बैक पैनल का। यहाँ पर मेपल वुड का यूज़ हुआ है, यहाँ पर वॉलनट और यहाँ पर कार्बन फाइबर। तीनों केसेस का जो वेट है वो लगभग सिमिलर है, 37-38 ग्राम्स। यहाँ पर जो चारों कॉर्नर्स हैं ये काफ़ी रगेड हैं, और अंदर की तरफ यहाँ पर इन्होंने एयर गैप दिया हुआ है ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा जो ये कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से रेज्ड हैं, पीछे से भी और आगे से भी, आपके डिस्प्ले और बैक पैनल की प्रोटेक्शन के लिए। केस को अप्लाई करना और उतारना काफ़ी आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वाओ, फिट की बात करें तो फिट एकदम टाइट है, कहीं से भी एजेस हैं वो लूज नहीं हैं। उसके अलावा ग्रिप की बात करें तो ग्रिप भी अच्छी है। यहाँ पर पूरे केस के ऊपर साइड्स में भी इन्होंने एक सेटिन फिनिश दी है, जिससे थोड़ी सी स्टिकीनेस बढ़ जाती है इस केस की और ग्रिप थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। हालांकि अगर ये साइड्स में थोड़े से यहाँ पर रिजेस दे देते तो ग्रिप और भी अच्छी हो जाती। जो इस केस का प्रोफाइल है वो काफ़ी स्लिम है, तो ज़्यादा बल्कि फील नहीं होता ये केस। जो कटआउट्स हैं वो एकदम प्रिसाइज हैं। उसके अलावा जो ये बटन्स हैं ये काफ़ी क्लिकी हैं। जो कैमरा का कटआउट है ये भी डीप है, तो आपके कैमरा लेंस की प्रोटेक्शन हो जाती है। उसके अलावा फ्रंट में भी जो ये बेजल्स हैं ये थोड़ी सी रेज्ड हैं, और जो कॉर्नर्स हैं ये तो और भी ज़्यादा रेज्ड हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपसाइड डाउन रखते हैं टेबल पर, तो जो डिस्प्ले है उसका टेबल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो अब वायरलेस चार्जिंग को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ रेगर आर्क 200 वायरलेस चार्जर। इस चार्जर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप इस चार्जर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रोटेक्शन लेवल की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन लेवल इस केस का अच्छा है। जो कॉर्नर्स हैं ये काफ़ी रगेड हैं, तो अगर आपका फ़ोन कॉर्नर्स के ऊपर गिरता है तो मुझे नहीं लगता उसे कोई डैमेज होगा। तो फटाफट से बात करते हैं कि इन तीनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। तो मुझे वॉलनट और कार्बन फाइबर काफ़ी अच्छे लगे। जो मेपल वुड है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट शेड है तो मुझे थोड़ा सा ये कम अच्छा लगा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस केस का प्राइस है 1500, पर यहाँ पर रेगर ने मुझे एक कूपन कोड दिया है जिसे आप यूज़ कर 13% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप अपने आईफोन के लिए रेगर एलिमेंट्स केसेस लेना चाहते हैं तो आप techitech.com वेबसाइट पर जाकर उस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं और 13% डिस्काउंट ले सकते हैं। कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू रेगर एलिमेंट्स आर्मर केसेस का आईफोन XR के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।